हेलो एवरीवन, आई एम योर थर्ड क्लास टीचर फ्रॉम शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल तारानगर। तो ईवीएस में बेटा हमारा फिफ्थ चैप्टर चल रहा था, तो इसके हमारे यहाँ तक हो गया था। आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द ऑर्गन दैट हेल्प्स द फिश टू स्विम। ऐसे ऑर्गन होता है अंग, ऐसे अंग का नाम लिखो जिसकी सहायता से, हेल्प होता है सहायता से, फिश यानी मछली टू स्विम तैरती है। स्विम होता है तैरना, तो जिसकी सहायता से मछली क्या है, तैरती है, स्विम करती है। ओके, तो सांस लेने के लिए तो मैंने आपको बताया था ना इधर की गिल्स होते हैं, और तैरने के लिए क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, फिन्स। ओके, जो उसके बने होते हैं वो साइडों में पंख से। फिन्स हेल्प द फिश टू स्विम। ओके, फिन्स हेल्प द फिश टू स्विम, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम सेकेंड का करेंगे। हाउ डू द इंसेक्ट्स फ्लाई। इंसेक्ट्स कैसे उड़ते हैं? देखो, इंसेक्ट्स किससे उड़ेंगे, जो उनके पंख होते हैं उन्हीं से उड़ेंगे ना। द इंसेक्ट्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। विंग्स होता है पंखों से। इंसेक्ट्स फ्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से, पंखों की सहायता से फ्लाई करते हैं, ठीक है, उड़ते हैं। थर्ड है, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ रेपटाइल्स। रेपटाइल्स के दो एग्जाम्पल दीजिए। बड़े ईजी हैं, स्नेक्स और क्रोकोडाइल, ठीक है। क्या लिखोगे आप, स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हाउ डू द मैमल्स मूव। जो मैमल्स होते हैं, जो वो एनिमल्स होते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं ना, वो वाले, वो कैसे मूव करते हैं, वो उनके फोर लेग्स होते हैं ना, तो उन पे मूव करते हैं, जैसे टू पेयर्स ऑफ लिम्स टू मूव। टू पेयर यानी कि इसको एक पेयर बोलते हैं, जिसमें दो चीज़ें होना वो पेयर मानी जाती है, ठीक है। जैसे हमारी आईज हैं, ये एक पेयर माना जाएगा, आँखों का जोड़ा, ठीक है, जोड़ा, पेयर होता है जोड़ा, जोड़ा यानी कि दो चीज़ें। तो टू पेयर यानी कि टू पेयर बन गए ना, तो कितनी हो गई, 1 2 3 4, फोर लेग्स। टू पेयर्स ऑफ लिम्स यानी कि जो उनके पैर होते हैं वो उन चार पैरों पे मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज द एंटीना हेल्प द इंसेक्ट्स। जो एंटीना होता है वो इंसेक्ट्स की कैसे हेल्प करता है। एंटीना इसीलिए हेल्प करता है कि उनको वो सूंघने में उनको पता चल जाता है कि उनके पास आसपास कोई चीज़ है। एंटीना हेल्प द इंसेक्ट्स, ये तो क्वेश्चन में ही है, यहाँ से आपको लर्न करना पड़ेगा। टू फील लिखना आपने सारा ही है, पर लर्न करने के लिए कई बार ईजी हो जाता है। टू फील थिंग्स इन देयर सराउंडिंग। फील यानी महसूस करना, थिंग्स मैंने चीज़ें, इन देयर यानी कि उनके सराउंडिंग यानी कि चारों तरफ, अगर चारों तरफ कोई खाने पीने की चीज़ रखी हो तो उनको वो महसूस कर लेते हैं एंटीना से, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डू द एम्फीबिन्स ले देयर एग नियर द वाटर। जो एम्फीबिन्स होते हैं वो पानी के जो नज़दीक, नियर द वाटर, वो अपने अंडों को मतलब कैसे वहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। एम्फीबिन्स ले देयर एग्स नियर द वाटर इन द नेस्ट मेड बाय देम। तो वो पानी के पास क्या है, घोंसला सा बना लेते हैं। जब उनको अंडे देने होते हैं ना, तो वो पानी के बाहर आके वहाँ पे अंडे दे देते हैं घोंसले के अंदर, फिर पानी में चले जाते हैं, ठीक है। तो एम्फीबिन्स ले देयर एग्स नियर द वाटर, नियर द वाटर, पानी के पास क्या है, इन द नेस्ट मेड बाय देम, और नेस्ट के अंदर क्या है, अंडे दे देते हैं। ओके, तो इस तरह से ये आपने अपनी नोटबुक में करने हैं बेटा, 6 के 6 क्वेश्चंस आपने ऊपर क्या राइट करना है, सबसे पहले चैप्टर नंबर, ईवीएस की नोटबुक में, इधर उधर इंग्लिश या रफ नोटबुक में मत कर देना, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का जो भी नेम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे क्वेश्चन फर्स्ट, ओके, फिर क्वेश्चन नंबर लिखोगे, नेम द ऑर्गन दैट हेल्प, फिर उसका आंसर लिखोगे यहाँ पे, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर आंसर, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में राइट करोगे,